अपने सुंदर घर को और सुंदर बनाने के लिए पेंट से भी कम बजट के 3D वॉलपेपर, पीवीसी, आर्टिफिशियल घास, विंडो ब्लाइंडिंग सहित बहुत कुछ। पालीवाल वॉलपेपर हरिगंज मेन रोड खंडवा, सनवारा बाजार बुरहानपुर सहित बैंगलोर में भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाने के अंतर्गत आने वाले सेंट पायस स्कूल में पिछले दिनों चाकूबाजी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर पालक संघ ने आज खंडवा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई विषयों पर अपनी बात रखी। आइए क्या थे वह मामले जिनको लेकर बात रखी, सुनो। विगत दिनों जो सेंट पायस में घटना हुई कि कुछ छात्रों द्वारा सुनियोजित तरीके से बाहर के लड़कों को बुला के स्कूल के बच्चों से मारपीट की गई, मारपीट ही नहीं की गई अपितु चाकू मारे गए। इन सब घटनाओं के बाद ये देखने में आया है कि इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ ढाई ढाई तीन तीन हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल गेट पे ना CCTV कैमरे हैं ना ही सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हैं। इन सब चीज़ों को लेके आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि सारे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरे प्लस सिक्योरिटी गार्ड की पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही हम शासन से एक और निवेदन करने आए हैं कि हाईकोर्ट ने विगत 4-5 महीने पूर्व आदेश दिया है कि हर जिले में एक जिला शिक्षा समिति बने जो स्कूलों से संबंधित कोई भी समस्या है उसका त्वरित निराकरण करे, मगर खंडवा में आज तक उस शिक्षा समिति की घोषणा नहीं हो पाई है और स्कूलों संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर पालक हमेशा परेशान होते रहते हैं और उन पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अतः शिक्षा समिति जितनी जल्दी बन जाएगी पालक अपनी समस्या उनके बीच में रखेंगे। साथ ही हमने मांग यह भी की है कि शासन दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।